स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं एक मूवी जिसका नाम है टू ब्लू स्ट्राइप्स, और इसमें हम देखेंगे दो टीनेजर्स को जो कि 16 साल की उम्र में ही माता पिता बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लीजा और जिन को देखते हैं जो कि सेम क्लास में सेम बेंच पर पढ़ाई करते हैं, और इसी वजह से इनके फ्रेंड्स इनका काफ़ी मजाक बनाते हैं कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे में घुसे रहते हैं। स्कूल के बाद दोनों लीजा के घर जाते हैं। लीजा जिन का मेकअप करती है और इसकी फोटो खींच कर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। जिन उससे फ़ोन छीनता है और ऐसा करने से मना करता है। दोनों के बीच में ऐसी हंसी मजाक हो रहा होता है, दोनों करीब आते हैं और बस माहौल बन जाता है और खेल ख़त्म। और यहाँ पर लीजा इससे कहती है कि अभी जो भी हमारे बीच में हुआ वो किसी को बाहर बताना मत। फिर दोनों नॉर्मल होकर बाहर जाते हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ रात को डिनर करने जाते हैं। यहाँ पर लीजा की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग जाती है। जिन उसे घर छोड़कर आता है और वहीं उसकी मोम से भी मिलता है। लीजा की मोम को लगता है लीजा की तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि वो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाती है, और इसकी मम्मी से भी पूछती है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। पर लीजा कहती है कि नहीं, वो बस मेरा फ्रेंड है। लीजा अपने घर आती है और अपनी छोटी बहन से अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करती है। इसकी बहन को लगता है कि शायद इसके पीरियड्स चल रहे होंगे, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रही है। पर लीजा को याद आता है कि इसके पीरियड्स इस महीने आए ही नहीं है, और वो इस बारे में जिन से बात करती है और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जाती है, और जिसके बाद वो पॉजिटिव आता है। अब जिन को जब ये बात पता चलती है तो वो इससे भागने लगता है, इसको अवॉइड करता है, ना इससे स्कूल में बात करता है और ना ही मिलता है। और वो घर आकर काफ़ी सैड होता है, रोता भी है। इसके मोम डैड को लगता है कि अभी अभी हो सकता है इसका नया नया दिल टूटा हो, इस वजह से हो रहा होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। इसलिए उसके डैड आकर इससे बात करते हैं तो वो सब कुछ बता देता है। इसके डैड इसको डांटते नहीं है, वो कहते हैं कि जाकर लीजा से माफ़ी मांगो कि तुमने उसको इग्नोर किया। और जिन उसी रात उसके घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है और उससे अबॉर्शन की बात करता है। पर लीजा गेट बंद करके इसको वहाँ से भगा देती है। अगले दिन जिन अपने फ्रेंड से अबॉर्शन क्लिनिक का पता करता है, ये बोल के कि स्कूल प्रोजेक्ट के लिए काम है, और फिर वहाँ लीजा को लेकर जाता है। पर लीजा वहाँ की हालत देखती है तो वहाँ से डर के भाग जाती है, और इसका हाथ अपने पेट पर रख कर कहती है कि फील करो बच्चे को। बस फिर क्या था, दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे और ये सीक्रेट किसी को पता नहीं चलेगा जब तक हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते हैं। जिन इसके लिए बड़ी सी स्कर्ट खरीद कर लाता है ताकि अगर इसका पेट फूलता है आगे चलकर तो वो इसको आराम से छुपा सके, और कहता है कि अगर तुम्हारी फैमिली को पता चला तो क्या होगा। लीजा कहती है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो लोग मुझे माफ़ कर देंगे। और लीजा साथ ही अपनी फ्यूचर के बारे में भी इसको बताती है कि ये हमेशा से कोरियन यूनिवर्सिटी में जाना चाहती है। यहाँ पर जिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करवा दूंगा। और अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं लीजा को जो बैठी हुई है और यही सब सोच रही होती है, तभी एक फुटबॉल आकर उसके सर पर लगती है और वो चक्कर खाकर गिर जाती है। जिन भी वहाँ पर आ जाता है और बाकी सब भी आ जाते हैं, और यहाँ पर तभी लीजा गलती से बोल देती है कि मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है, और ये बात पूरा स्कूल सुन लेता है। और बस फिर कहता है टीचर इन दोनों की फैमिली को बुलाते हैं, और यहाँ अब सबको पता चल चुका है इन दोनों के सीक्रेट के बारे में। लीजा के फादर तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो उससे पूछ रहे हैं कि क्या जिन ने उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं की है। साथ ही जिन की मोम जिन को डांट लगाती है, और जिन कहता है कि वो लीजा का ख्याल रखेगा, स्कूल के बाद ये शादी कर लेगा उससे। पर लीजा की मोम बहुत ही ज़्यादा दुखी है, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब लीजा की फैमिली भी इसे अपने घर पर रखने को तैयार नहीं होती, इसलिए लीजा जिन के साथ इसके घर आ जाती है। जिनका घर एक मिडिल क्लास एरिया में होता है जहाँ पर काफ़ी शोर शराबा होता रहता है, और वहीं पर लीजा जो है वो काफ़ी अमीर लड़की है, इसलिए लीजा को यहाँ पर काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील होता है। पर अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ रहने के अलावा। रात को दोनों खाना खाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, और अगले दिन चेकअप के लिए जाते हैं। सब कुछ यहाँ पर ठीक होता है। डॉक्टर इन दोनों से कहती है कि जब तक बेबी नहीं हो जाता तुम दोनों प्यार मोहब्बत मत करना। अब लीजा के मोम डैड को उसकी याद आ रही होती है, इसलिए वो इसको आकर वापस लेकर चले जाते हैं। कार में बैठकर घर जाते हुए इसकी मोम पीछे मुड़कर लीजा को देखती है, वो उन्हें छोटी वाली लीजा दिखाई देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि भले बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो हमेशा छोटे ही रहते हैं, और इसी वजह से इसकी मोम को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। घर आकर लीजा अपनी छोटी बहन से मिलती है, ये बताती है कि इनके घर अंकल आंटी आए थे, और इसकी मोम को लगता है कि लीजा अभी बच्चे को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए वो लीजा के बेबी को उन अंकल आंटी को अडॉप्ट करने के लिए दे रहे हैं। लीजा अपनी मोम से इस बारे में बात करने जाती है। इसकी मम कहती है कि तुम अभी बेबी संभालने के लिए तैयार नहीं हो। पर लीजा यहाँ पर काफ़ी गुस्सा होती है, वो अपने बच्चे को किसी को देना नहीं चाहती। जब ये बात जिन की फैमिली को पता चलती है तो उसकी मम बच्चे को रखना चाहती है क्योंकि वो उनके बेटे का बच्चा ही होगा। पर यहाँ पर इनके मोहल्ले में सब लोग इनका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि ये क्या करके बैठे हो तुम लोग। यहीं पर जिन की बड़ी बहन भी आ जाती है घर, जो कि इसको खूब मारती है कि तूने ये क्या कर दिया। और अगले दिन जिन की पूरी फैमिली आराम से रेडी होकर लीजा के घर के लिए निकल जाती है। यह लीजा की मोम उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो यहाँ से भागने की तैयारी में है। पर लीजा इनको रोक कर रखती है, और ये सब यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर दोनों की फैमिलीज मिलती हैं, और फिर शादी की बातें होती हैं, और कुछ दिन बाद ही इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब लीजा और जिन लीजा के घर में ही रहने लग जाते हैं,
और पूरे दिन फ्यूचर की बातें करते हैं। लीजा के फादर जिनको आवाज़ देकर नीचे सोने को कहते हैं क्योंकि इनको डर है कि कहीं फिर से कुछ कांड न कर दे लड़का। अब लीजा घर पर ही रहती है और जिन स्कूल जाता है और इसके फादर के रेस्टोरेंट में वेटर का काम भी करने लग गया है। टाइम ऐसे धीरे धीरे बीतने लगता है। लीजा को पता चल जाता है कि स्कूल स्किप करता है। यहाँ पर ये बताता है कि स्कूल से ज़्यादा मेरे लिए पैसे कमाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे पैसे कमा कर घर लेना है। बस फिर क्या था, दोनों की हो जाती है यहाँ पर लड़ाई क्योंकि दोनों की सोच यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग जा रही होती है। लीजा नीचे आकर बैठ जाती है और यहीं पर इसकी मोम जिन को उसके घर भेज देती है। अब लीजा की फ्रेंड्स भी घर पर आने लग गई हैं, इसको बाहर ले जाती है, घुमाती फिराती है और उसका मूड जो है वो पूरी तरह से अब चेंज होने लगा है। पर लीजा के लिए ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अब उसकी बॉडी में भी बहुत सारे अजीब अजीब से चेंजेस आने लग गए हैं और वो इस बारे में अपनी मोम से बातें भी करती है। और फिर सब हॉस्पिटल जाते हैं चेक करने के लिए तो पता चलता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है और इसके पेट में एक लड़का है। और वहीं पर लीजा इसे बताती है कि मेरे रिलेटिव्स आने वाले हैं, अब हमें डिसीजन लेना ही होगा कि बच्चे को देना है या नहीं देना है। और फाइनली वो डिसीजन वाला दिन भी आ ही जाता है। जिन चाहता है कि वो अपने बच्चे को अपने पास रखे, अपने घर में रखे, पर लीजा बच्चे को अंकल को देना चाहती है और साथ ही वो जिन को डिवोर्स भी देना चाहती है ताकि ये कोरियन यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी आगे की लाइफ देख सके, अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सके। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों की सोच बिल्कुल ही टाइम के साथ साथ बदल चुकी है। अब यहाँ पर डिसीजन ये लिया जाता है कि हम बच्चे को अंकल को दे देंगे, पर जिन बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए मंजूर नहीं होता। वो दिन रात लीजा से बात करने के लिए उसके घर पर जाता रहता है, उसको मनाने की कोशिश करता है और लीजा परेशान होकर अपनी मोम से बात करती है कि अडॉप्शन कैंसिल करवा दो। और थोड़े दिन बाद लीजा एक बच्चे को जन्म देती है। लीजा बिल्कुल ठीक है और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि जो बच्चा है वो जिन और जिन की फैमिली के साथ रहेगा और लीजा इन सबको छोड़कर जिन को और उसकी फैमिली को हमेशा के लिए कोरियन यूनिवर्सिटी जा रही होती है और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इस तरह जो दोनों थे जो कि कुछ टाइम पहले इतना प्यार किया करते थे, अब वो दोनों एक दूसरे के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हाँ, मूवी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। कुछ लोगों को ये लगा होगा कि दोनों साथ में रहेंगे एंड में, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो इनकी अभी एज चल रही है उस एज के हिसाब से अगर हम लेकर चलें तो दिमाग जो है वो 10 तरफ भागता है। तो उन्होंने जो किया वो तो उनकी एज पे किया था, उसको कोई नहीं रोक सकता है। पर जो बाद में हुआ उनको फील होने लगा कि इन सब के बाद भी एक ज़िंदगी होती है। लीजा को यहाँ पर पता चलने लग चुका था कि इसके आगे भी मेरी लाइफ है, मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, कोरिया जाना है और बाकी सारी चीज़ें। बट यहाँ पर जिन जो था वो अपने बच्चे के लिए काफ़ी इमोशनल था, इसलिए उसने बच्चे को रखना ज़्यादा बेहतर समझा। अब मेरे पास इस मूवी के एंड में बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं बोलूँगा कुछ नहीं वरना लोग बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, इसलिए मैं मुंह अपना बंद ही रखता हूँ। और मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि इसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए थी, क्योंकि देखो यार जो शुरू में हुआ उसको कोई नहीं रोक सकता था, बट जो एंड में हुआ क्या हम उसको बदल सकते थे? ये अगर आप लोगों को कुछ लगता है इस मूवी के बारे में तो हाँ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी लगता हो, छोटा बड़ा कुछ भी, तो कमेंट ज़रूर करना क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब लोग क्या सोचते हैं कि क्या हुआ, जो हुआ वो सही हुआ गलत हुआ। पर मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने उस टाइम किया वो उनकी एज और सिचुएशन के हिसाब से था, बट बाद में उनको ये एहसास हो गया कि इन सब के आगे भी लाइफ होती है। तो लीजा ने एक तरह से उसको डिवोर्स दे दिया, अपने बच्चे को भी उसको दे दिया और वो हमेशा के लिए इसको छोड़ कर भी चली गई। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि लीजा का जो माइंड था वो टाइम के साथ कितना ज़्यादा चेंज हो चुका था। एक टाइम पर हमने मूवी में देखा था कि लीजा अपने बच्चे को किसी को देना नहीं चाहती थी और वो उसके लिए अपनी मोम से भी लड़ाई करती हुई हमें नजर आई थी, बट एट द एंड हमने क्या देखा कि उसका माइंड कैसे चेंज हो गया और वो उसको छोड़कर चली गई। मूवी कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी कुछ एंटिक टाइप के मूवीज को देखने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।